Yes, sir. हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे कि पायलट कैसे बन सकते हैं, एयरलाइन पायलट इन इंडिया। आई एम रोशनी माझी, एचआर मैनेजर एट एयर क्रूज एविएशन प्राइवेट लिमिटेड। आज के कंटेंट है मीनिंग, टाइप ऑफ पायलट लाइसेंस, जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एलिजिबिलिटी, कमर्शियल लाइसेंस, रेम्यूनरेशन, पर्क्स, डाउनसाइड्स एंड सम कॉमन क्वेश्चन। पायलट, पायलट वो इंसान होता है जो एयरक्राफ्ट के फ्लाइंग कंट्रोल को ऑपरेट करता है। टाइप ऑफ पायलट लाइसेंस, प्राइवेट पायलट, इंस्ट्रूमेंट पायलटिंग, कमर्शियल पायलट, एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट, मल्टी ग्रुप पायलट, सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, द मल्टी इंजन रेटिंग। जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पायलट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने पैसेंजर्स और कार्गो को ट्रांसपोर्ट करें, डिटरमाइन करें कि क्या सेफेस्ट रूट्स हैं, एनालाइज करें फ्लाइट प्लान्स और वेदर कंडीशंस को, फ्यूल कैलकुलेट करें और इंस्पेक्ट करें ऑपरेशन सिस्टम और नेविगेशन इक्विपमेंट को फ्लाइट के। एलिजिबिलिटी, आपको क्लास 12th अंडर 10+2 सिस्टम को क्लियर करना होगा और मिनिमम 50% मार्क्स मैथ्स और फिजिक्स में लाना होगा। आपको कम से कम 16 साल की उम्र फॉर के लिए, सिमिलरली 17 साल प्राइवेट पायलट लाइसेंस और 18 साल कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए। अल्टरनेटिवली आप डायरेक्टली भी एनरोल हो सकते हैं प्राइवेट पायलट लाइसेंस के लिए जब आप क्लास 12th और 17 साल के हों। दिस इन्वॉल्व एग्जाम कंडक्टेड बाय डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जिसमें थियोरी पेपर लिया जाता है एयर नेविगेशन, एविएशन मीटियोरोलॉजी, एयर रेगुलेशन एंड टेक्निकल एस्पेक्ट्स के। आपकी आंखों की आई विजन, आई साइट परफेक्ट होनी चाहिए, एक आंखों की एटलीस्ट। जनरली मेडिकल टर्मिनोलॉजी में 6x6 आई साइट होनी चाहिए। दूसरी आईज की यू कुड हैव इम्परफेक्शन, दैट इज 6x9, बट उसको करेक्ट करके 6x6 होना चाहिए। जनरल फिजिकल फिटनेस जरूरी है। आप फ्री ऑफ डिजीज होने चाहिए, दैट शुड नॉट हैम्पर नॉर्मल फंक्शन। यू नीड टू कंप्लीट द रिक्विजिट नंबर ऑफ आवर्स, क्लियर रिटन पेपर्स एंड द मेडिकल एग्जामिनेशन। You need 70% marks to pass in each of these papers. आप ये अपीयर कर सकते हैं जब तक आपके एग्जाम क्लियर ना हो जाए। ये एक एग्जाम्पल है सिमुलेटर का, यू कैन सी इन दिस पिक्चर। कमर्शियल लाइसेंस, अ स्टूडेंट कैन गेट CPL बाय डूइंग हिज फ्लाइंग ट्रेनिंग for 129 hours to complete 250 hours of flying. Training facilities available hai flying clubs India mein, jo ki hai Indira Gandhi Rashtriya Udan Academy Rai Bareli UP mein. Private academies bhi hai aur flying schools bhi hai US, Europe, USA, Australia, the Gulf, etc. After a CPL you can build up or more flying hours. Log in to 750 hours of flight time, clear the requisite paper and acquire a senior commercial pilot license को। ये example है license का which you will be acquiring। Remuneration, average salary एक pilot को generally ज़्यादा मिलता है compared to the national average income. It is about 46,87,900 rupees. International pilots make much more depending on the airline and the country.
It is also dependent on the type of aircraft which you are flying. Perks. You are allowed up all over world travel करते हैं with free of cost. ये जॉब को बहुत respectable जॉब माना जाता है सोसाइटी में. आपको फ्री टिकट्स मिलती हैं फॉर योर फैमिली इफ यू आर इन दिस जॉब एंड यू आर एबल टू स्टे द बेस्ट होटेल्स अराउंड द वर्ल्ड इफ यू आर डूइंग दिस जॉब. प्रोबेबली आप बहुत पैनोरमिक और ब्यूटीफुल व्यूज देख सकते हैं जो कोई और नहीं देख सकता, सिर्फ आप देख सकते हैं इफ यू आर डूइंग दिस जॉब. आप एक रियल वेकेशन स्पेंड करते हैं अपने फैमिली के साथ. And you get to work with people for multiple countries and cultures. And high job responsibility, which leading to job satisfaction. And आपके regular medical checkups भी होते हैं, so that you can maintain your physical fitness. Downsides, erratic schedule and sleep cycle maintenance होना चाहिए and constant necessity to update, so that you don't lack your knowledge in these field. This is the some common questions which comes in everybody's mind that am I too old for commercial training? Kya main bahut zyada old hu ek commercial training ke liye? In short, if you are under 65, then you are not too old. But the older you start your training, the more limited your employment options may be, and the less money you can expect in return over the course of your career. We have a detailed article about this topic in this session. Thank you so much.